हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग करिकुलम। मैं इस वीडियो की गल कर रहा है पंजाब के बच्चों लिए, जो तुम बार बार मैसेज करके पूछ रहे हो कि सर पंजाब कि वैकेंसी आनी है, कि डिपार्टमेंट वैकेंसी आनी है और कदों वैकेंसी जो अनाउंस हो। सो मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा कि जोड़े भी बच्चे हूँ रीसेंटली पास आउट हुए हैं और जोड़े लास्ट दो साल तो पास आउट होकर पंजाब की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इस वीडियो में बड़े ध्यान से सुनो और समझो और जिड़िया गलों के उपर तुम्हें समझाया जा रहा है इस वीडियो थ्रू वो गलों समझ के अपनी जिंदगी अमल भी करो, सो दैट थोड़ी सिलेक्शन भी हो सके। सो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, सो दैट थोड़े फ्रेंड्स को इस वीडियो को बेनीफिट मिल सके। और सारे इंपोर्टेंट गल हैगी कि वैकेंसियां बहुत जल्दी ही आने वाली ने, ये मेरी गल ध्यान बन लो। सारा इंपोर्टेंट जी एलिजिबिलिटी होंगी है, प्रैपरेशन होंगी है, जी तुम नहीं करते हैं। सो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा, तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो में जरा शुरू करते हैं और जानते हैं कि डिपार्टमेंट कि स्ट्रीम्स नहीं वैकेंसीज ने और देखने मिल सकती ने अपने। सो सारे पहले की गल तुम दस दें, मैकेनिकल के जो बच्चे है जो बहुत ज्यादा डीमोरलाइज रहने हैं और जिन्होंने लगता मैकेनिकल की वैकेंसियां पंजाब नहीं आती, तो मैं तुम दस दा मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर वैकेंसियां बहुत ही जल्द मैकेनिकल के बच्चों लिए जड़िया है और अनाउंस होने वाली ने। 17 तरीक एक मीटिंग के आधार से एक नोटिफिकेशन जो है वह बन चुका है, जिसकी जल्दी ही जिसे बेसिस से एरिया वैकेंसी जी है अनाउंस कर दी जाएगी। इस तो अलावा लोकल बॉडी की वैकेंसी की आप गल कर रहे थे, जी लास्ट वैकेंसियां कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द अपने देखने को मिलेगी। तुम ये ला के चलो जुलाई के 3rd हफ्ते तक जी नोटिफिकेशन आपके टेबल से होएगी। तो सो सारे इंपोर्टेंट जी गल हैगी है कि ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना पढ़े कोई भी एग्जाम क्वालीफाई नहीं होना है, बिकॉज साढ़े सारे बच्चों की यही आदत हैगी है कि पहला आप वैकेंसी की वेट करते हैं, फिर वो सिलेबस की वेट करते हैं, फिर एग्जाम डेट की वेट करते हैं, बट इन देर में एग्जाम होकर निकल भी जाता है तो फिर बाद नैक्सट अगले साल की वैकेंसी कदों आएगी वो वेट करते रहते हैं। सो जो हूँ इस साल वैकेंसी आने लगी ने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने, सो उन्होंने अपनी तैयारी करो, अपना फोकस करो, ध्यान रखो, सो जोड़ा जो सिलेक्शन है वो हो सके। इस तो इलावा मंडी बोर्ड में भी वैकेंसी आन गई, जिस कुछ मैकेनिकल की वैकेंसियां ने और सिविल की वैकेंसियां है, और इसके अलावा पंचायती राज डिपार्टमेंट भी बहुत जल्दी जी है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जी है बहुत जल्द सिविल की वैकेंसी जी है जो तुम्हें देखने को मिलनगियां। और इसके अलावा PSPCL भी जी जेईई वैकेंसियां है वो आन गई, सो बड़िया बड़ी लंबी लिस्ट जी बन के तुम्हारे लिए आ रही है, बहुत ही जल्द तुम नैक्सट मंथ जी है ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन जो देखना शुरू कर दोगे। सो ये वैकेंसी इकट्ठिया तो भी आनी है, 1 by 1 टर्न बाय टर्न ही आनी है, बट पढ़ना और जो तैयारी हैगी सारे इकट्ठी करी जा सकती हैगी है। सो ये पढ़ना और तैयारी करना शुरू कर दो। जोड़े बच्चे स्पैसीफिकली हमने 2023 पास आउट हो रहे हैं और सारे मेरी अपील है कि अपने आस पास जोड़े बच्चे उन्होंने कहते हैं कि जी वैकेंसी जो आनी है तैयारी करनी शुरू करा, तो वो सारे रूमर्स तो बचो। मेरी गल मान लो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जी मेरी गल मान के ऑलरेडी JEE SJ लगे हुए हैं, अगर मेरी गल मान लोगे तो 100% जी इस साल आने की रिक्रूटमेंट है, जो तुम भी JEE SJ का बनना सपना देख रहे हो पूरा कर सकोगे। पर गल उ है कि उही बच्चा कर पाएगा जोड़ा मेरी गल मनूगा, तो जोड़ा गल सुनेगा नहीं, जिन्होंने मेरी गल से विश्वास आज होएगा नहीं, और सिर्फ नोटिफिकेशन आने तो बाद जोड़ा है तैयारी करनी सोचेगा, तो वो नोटिफिकेशन आने तो बाद उही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं जोड़े पिछले 1 साल 2 साल तो कंटिन्यूस तैयारी करते होंगे है। सो इस गल समझो, पले बनो कि तैयारी करना बहुत जरूरी है, और जोड़े पिछले साल तो 2 साल तो घरे वेले बैठे ने और यही सिर्फ वेट करी जा रहे हैं और सिर्फ डेली जो वीडियो है स्क्रोल कर लिया, यूट्यूब देख लिया, इंस्टा देख लिया, रील बना लिया, थोड़ा बहुत इधर जो कमेंट 2-4 कर ले और बस बैठ के भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने मैं सारे दस दा कि थोड़े लिए हर साल जो एग्जाम ने वो होंगे ने, NHPC का एग्जाम निकलिया हुआ है, इसरो का हूँ एग्जाम निकलिया सीगा, और बहुत सारे DDA का एग्जाम निकलिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम जोड़े हैं वो निकलते हैं। सो तुम किसी भी एग्जाम को टारगेट रख के अपनी तैयारी का शुरू करो यार, तुम तैयारी नहीं शुरू करते हैं और एक्सपेक्टेशन तुम ये रखते हैं तो सिलेक्शन हो जाए, बिना तैयारी तो किसी का सिलेक्शन नहीं होंगे। जोड़ा तुम यह गल कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़िया, मैं तो कुछ पढ़िया नहीं सीखा, बिना पढ़े मैं JEE लग गया, बिना पढ़े मैं SJ लग गया, यह 100% गलत गल हैगी है, और सिर्फ तुम्हें मिस गाइड कर रहा है, वो यह नहीं चाहता है कि थोड़ी सिलेक्शन हो। सो इस गल को समझो कि अगर तुम सिलेक्ट होना है तो तुम्हें अपना दिमाग यूज करना पैना है, इधर उधर गलों चुना है बाहर निकलना पैना है, जोड़े थोड़े आस पास लोग बैठे ने उन्होंने रूमर्स बाहर निकलो, अपना दिमाग खुद लगाओ कि बिना पढ़े तुम सेमेस्टर का एग्जाम पास कर पाए अज तक। तुम मुझे गल दस दो कि बच्चा थोड़े चो है जो कह रहे कि मैं पढ़िया नहीं पूरा 4 साल में कुछ भी नहीं किया फिर भी मेरा पेपर पास हो गया, मैं कुछ लिख भी नहीं आता से उत्थे, इदा कोई नहीं होता।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਸੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਈ ਜਾਂ ਐਸਜੀਓ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜੇਈ ਐਸਜੀਓ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਡਟ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਵੀ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 2023 ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਜੂਨ ਦਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬੈਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800120172 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਸੈਸਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9805745444 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇਈ ਔਰ ਐਸਜੀਓ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ